नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं अरुणेंद्र सिंह चौहान आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल लोकस पॉइंट ऑफ योर करियर में। इस चैनल में डेली करंट अफेयर्स और जनरल स्टडीज के सभी टॉपिक जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन्वायरमेंट्स एंड अदर मिसलेनियस टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। अभी अगर आपने हमारे वीडियो चैनल देखे हो तो हिस्ट्री के टॉपिक्स मिस्टर आदित्य प्रकाश मिश्रा सर द्वारा अपलोड किए जा रहे हैं। इस टॉपिक्स में, इस वीडियो लेक्चर्स में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टू द पॉइंट टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए और आपको याद करने में भी बहुत ईजी होगा। आप इस वीडियो को देखिएगा और डेली करंट अफेयर्स की वीडियो लेक्चर्स हमारे द्वारा अपलोड किए जा रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज देखिए, और अगर वीडियो लेक्चर्स पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो अब आपका समय ज्यादा न लेते हुए सीधे चलते हैं आज की डेली करंट अफेयर की न्यूज की। ओके, तो 31 अक्टूबर 2019 की पहली इंपॉर्टेंट न्यूज। अभी हाल ही में 31 अक्टूबर से 13 नवंबर के बीच भारत ने कहां और किस देश के साथ जॉइंट एक्सरसाइज शक्ति 2019 का प्रारंभ किया है? तो बता दें, भारत ने राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के विदेशी परीक्षण केंद्र में फ्रांस की सेना के साथ जॉइंट एक्सरसाइज शक्ति 2019 प्रारंभ किया है। ये शक्ति 2019 का लोगो है, आप देख सकते हैं। अब बात यहाँ पे आती है फ्रांस की, तो आइए जानते हैं फ्रांस के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझ लेते हैं। तो फ्रांस का ये नेशनल फ्लैग है, फ्रांस की कैपिटल पेरिस, फ्रांस की करेंसी यूरो और फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रॉन। याद कर लीजिए, फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रॉन, और ये है फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रॉन की फ़ोटो, आप देख सकते हैं। तो फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रॉन। चलिए आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की ओर। तो हाल ही में ओलंपिक टेस्ट इवेंट कहाँ हुए और इस इवेंट में भारत के किन खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता? तो आइए जान लेते हैं। तो ओलंपिक टेस्ट इवेंट जापान की राजधानी टोक्यो में हुए हैं। कहाँ हुए हैं? जापान की कैपिटल टोक्यो में ओलंपिक टेस्ट इवेंट हुए हैं, और इस इवेंट में भारत के मुक्केबाज शिवा थापा और महिला मुक्केबाज पूजा रानी ने भारत को दो स्वर्ण पदक दिलाए हैं। ये हैं भारत के मुक्केबाज शिवा थापा और महिला मुक्केबाज पूजा रानी, जिन्होंने भारत को ओलंपिक टेस्ट इवेंट में दो स्वर्ण पदक दिलाए हैं। ओके, तो थर्ड इम्पॉर्टेंट न्यूज़, अभी हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री साद हरीरी ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया? तो ये हैं प्रधानमंत्री साद हरीरी जी, और ये लेबनान के प्रधानमंत्री हैं। किस देश के प्रधानमंत्री हैं? लेबनान के। आइए जानते हैं न्यूज़ के बारे में। तो लेबनान के प्रधानमंत्री साद हरीरी ने बेरूत में हिजबुल्लाह के समर्थकों द्वारा की गई तोड़फोड़ और विरोधी प्रदर्शन के चलते अपने पद से इस्तीफा देकर प्रदर्शनकारियों की मांग को पूरा कर दिया। तो साद हरीरी जी लेबनान के प्रधानमंत्री हैं और इन्होंने विरोध के प्रदर्शन को चलते हुए इस्तीफा दे दिया है। चलिए अब बात यहाँ पे आती है लेबनान की, तो चलिए लेबनान से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जान लेते हैं। तो लेबनान का नेशनल फ्लैग आप देख सकते हैं, ये है। लेबनान की कैपिटल है बेरूत, और इसी बेरूत शहर में हिजबुल्लाह के समर्थकों ने विरोध किया और तोड़फोड़ की, जिसके चलते साद हरीरी ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। लेबनान की करेंसी है लेबनानी पाउंड, और लेबनान के प्राइम मिनिस्टर जो कि साद हरीरी जी थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो इसमें लेबनान के प्राइम मिनिस्टर का पद खाली है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। अभी हाल ही में शारजहां इंटरनेशनल बुक फेयर के 38वें संस्करण का उद्घाटन कहां हुआ? तो शारजहां इंटरनेशनल बुक फेयर के 38वें संस्करण का उद्घाटन संयुक्त अरब अमीरात में हुआ। कहां हुआ? संयुक्त अरब अमीरात में। अब जानते हैं कि इस बुक फेयर का उद्घाटन किसने किया, तो चलते हैं। तो इस बुक फेयर का आयोजन शारजहां के शासक और सुप्रीम काउंसिल के सदस्य शेख सुल्तान बिन मोहम्मद अल कासमी द्वारा किया गया। ये हैं शेख मोहम्मद बिन अल कासमी, इन्हीं के द्वारा शारजहां इंटरनेशनल बुक फेयर के 38वें संस्करण का उद्घाटन संयुक्त अरब अमीरात में हुआ। कहाँ हुआ? संयुक्त अरब अमीरात में।
तो अब बात आती है संयुक्त अरब अमीरात की। तो आइए जान लेते हैं कि संयुक्त अरब अमीरात से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं। तो संयुक्त अरब अमीरात का ये रहा नेशनल फ्लैग, आप देख सकते हैं। संयुक्त अरब अमीरात 7 अमीरी रियासतों का एक संघ है, यानी कि यहाँ पर अभी भी 7 रियासतें हैं, जिसमें से एक है शारजहाँ और उनके शासक हैं शेख सुल्तान बिन मोहम्मद अल कासमी। संयुक्त अरब अमीरात सबसे अमीर और खूबसूरत देश है। यहाँ बुर्ज खलीफा जैसी ऊंची बिल्डिंग है। और अभी हाल ही में एक न्यूज़ थी जिसको मैंने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया है, अगर आपने देखा हो तो आपको पता होगा कि वर्ल्ड का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ होने वाली है, तो कहाँ होने वाली है, संयुक्त अरब अमीरात में होने वाली है। और अभी हाल ही में भारत ने यूएई के साथ एक समझौता भी किया है। तो न्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से यूएई बहुत इंपॉर्टेंट देश है। तो आइए यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात की भौगोलिक स्थिति मैप के द्वारा समझ लेते हैं। तो ये मैप का एक छोटा सा भाग है। तो हम भारत को रेफरेंस देते हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पर हैं। तो भारत से सटा देश है पाकिस्तान और उससे सटा हुआ देश है ईरान, और ईरान के पास में ही है पर्शियन गुल्फ, आपको ये ध्यान रखना है पर्शियन गुल्फ, ये है पर्शियन गुल्फ, सॉरी ये है पर्शियन गुल्फ। पर्शियन गुल्फ के चारों ओर ही कुछ देश बसे हुए हैं, उसमें से आपका एक हो गया ईरान, यहाँ पे है इराक, सऊदी अरबिया, ओमान और यूनाइटेड अरब अमीरात। तो पर्शियन गुल्फ के चारों ओर बसे इन राज्यों को, इन देशों को बोलाता है पर्शियन कंट्री। ईरान भी आपकी पर्शियन कंट्री है। ईरान, इराक, सऊदी अरबिया, ओमान और यूनाइटेड अरब अमीरात, ये पर्शियन कंट्रीज बोला जाता है। इन्हें क्या बोला जाता है, पर्शियन कंट्रीज, क्यों, क्योंकि ये पर्शियन गुल्फ यानी कि पर्शियन खाड़ी के चारों ओर बसे हुए हैं। तो संयुक्त अरब अमीरात की कैपिटल आबू धाबी, जो आप देख सकते हैं कहाँ पर है। तो ये रहे संयुक्त अरब अमीरात की भौगोलिक स्थिति। आइए और कुछ बिंदुओं को समझते हैं। तो संयुक्त अरब अमीरात की कैपिटल, जो कि बता चुका हूँ, आबू धाबी। संयुक्त अरब अमीरात की करेंसी है दिरहम। और संयुक्त अरब अमीरात के वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर हैं शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम। ये हैं शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम, ये हैं वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर संयुक्त अरब अमीरात के। और एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम दुबई के शासक भी हैं। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम दुबई के शासक हैं, संयुक्त अरब अमीरात के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और प्राइम मिनिस्टर भी हैं। और एक नाम अभी और आया था ऊपर, शेख सुल्तान बिन मोहम्मद अल कासमी, ये शारजहाँ के शासक हैं और सुप्रीम काउंसिल के सदस्य हैं। और इन्हीं के द्वारा इन शारजहाँ इंटरनेशनल बुक फेयर के 38वें संस्करण का उद्घाटन संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। तो ये थी इम्पॉर्टेंट न्यूज़। चले इसी घटना से जुड़ी कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं, आइए जान लेते हैं। तो शारजहाँ इंटरनेशनल बुक फेयर 2019 के 38वें संस्करण की थीम क्या थी, बहुत इम्पॉर्टेंट, और गेस्ट ऑफ ऑनर किसे चुना गया था। तो इस बुक फेयर की थीम थी ओपन बुक्स ओपन माइंड, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको कहीं नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, याद कर लीजिए कि शारजहाँ इंटरनेशनल बुक फेयर 2019 के 38वें संस्करण की थीम क्या थी, ओपन बुक्स ओपन माइंड। और इस बुक फेयर के गेस्ट ऑफ ऑनर थे रिपब्लिक ऑफ मैक्सिको, कौन थे, रिपब्लिक ऑफ मैक्सिको को 38वें संस्करण में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में घोषित किया था। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की ओर। कौन सा राज्य अनुबंध खेती, जिसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी कहते हैं, पर कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य है। कौन सा राज्य अनुबंध खेती पर कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य है, तो तमिलनाडु, तमिलनाडु अनुबंध खेती पर कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य है। इस कानून का उद्देश्य क्या है, तो कृषि उपज और पशुधन अनुबंध खेती पर एक नीतिगत ढांचा और संस्थागत सिस्टम स्थापित करना है। क्या उद्देश्य है, कृषि उपज और पशुधन अनुबंध खेती पर एक नीतिगत ढांचा और संस्थागत सिस्टम को स्थापित करना है। अब बात यहाँ पे तमिलनाडु की आती है, तो आइए तमिलनाडु से जुड़े कुछ बिंदुओं को हम समझ लेते हैं। तो तमिलनाडु की कैपिटल आपको याद ही होगी चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं इडप्पाडी के पलानीस्वामी, याद कर लीजिए तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है, इडप्पाडी के पलानीस्वामी, ये उनकी तस्वीर। और तमिलनाडु के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित, कौन है, बनवारी लाल पुरोहित, ये है बनवारी लाल पुरोहित की फ़ोटो, ये हैं तमिलनाडु के गवर्नर।
चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की ओर। तो हाल ही में IAEA के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो IAEA के प्रमुख अर्जेंटीना के राफेल मारियानो ग्रासी को नियुक्त किया गया है एज अ महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ये हैं राफेल मारियानो ग्रासी जी जो कि अर्जेंटीना के हैं और इन्हें IAEA के नए डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। अब आइए बात करते हैं IAEA क्या है। तो IAEA के बारे में जानते हैं। तो IAEA का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। क्या नाम है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये है IAEA का लोगो। IAEA की स्थापना 1957 में हुई थी। IAEA का हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रिया में। कहाँ है? वियना ऑस्ट्रिया में। और IAEA के गठन का पर्पस था परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने और परमाणु हथियारों सहित किसी भी सैन्य उद्देश्य के लिए इसका प्रयोग न होने देने के लिए इसका गठन किया गया था। इसके लोगों में ही इसकी मोटिव लिखा हुआ है। इसका टैगलाइन है एटम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। ये टैगलाइन है इस IAEA की। तो पूछा जा सकता है कि IAEA का टैगलाइन क्या है? तो एटम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। ये इसका मोटिव भी है कि परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना और परमाणु हथियारों के प्रयोग को ना होने देना, ये इसका पर्पस है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की ओर। तो राष्ट्रीय एकता दिवस नेशनल यूनिटी डे कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल मनाया जाता है। ये हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है और इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 में हुआ था और इनका निधन 15 दिसंबर 1950 में हुआ था। सरदार पटेल जी ने देश के सभी रियासतों को जोड़ने के लिए काम किया था और इन्हीं की वजह से देश की सभी रियासतें एक होकर भारत में विलय हो गई थीं और एक बहुत ही ताकतवर खूबसूरत भारत का निर्माण हुआ था। इसी वजह से इन्हीं की वजह से आज के दिन यानी कि इनके जन्मदिवस पर नेशनल यूनिटी डे यानी कि राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। अब एक क्वेश्चन उठता है कि इस साल कौन सी जयंती थी? तो इस साल राष्ट्रीय एकता दिवस पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 144वीं जयंती थी और उनके 144वीं जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। चलिए तो 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है और इसी दिन एक और दिवस मनाया जाता है। इसका नाम है वर्ल्ड सिटी डे, विश्व शहर दिवस, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मनाया जाता है। आइए जान लेते हैं उससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को। तो 31 अक्टूबर 2019 को मनाए जाने वाला विश्व शहर दिवस की थीम क्या थी? जो इस बार विश्व शहर दिवस मनाया गया है उसकी थीम क्या है? तो चेंजिंग द वर्ल्ड, इनोवेशंस एंड बेटर लाइफ फॉर फर्दर जनरेशंस। याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है किसी ना किसी एग्जाम में। तो इस बार की थीम थी चेंजिंग द वर्ल्ड, इनोवेशंस एंड बेटर लाइफ फॉर फ्यूचर जनरेशंस। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वैश्विक शहरीकरण में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की रुचि को बढ़ावा देने और अवसरों की पूर्ति के लिए देशों के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और शहरीकरण की चुनौतियों का सामना करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। तो 31 अक्टूबर को दो दिवस हो गए, एक विश्व शहर दिवस और एक राष्ट्रीय एकता दिवस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, अभी हाल ही में जॉन विदरस्पून का निधन हो गया। वे किस फील्ड से संबंधित थे? तो जॉन विदरस्पून अमेरिकन एक्टर थे, अमेरिकी अभिनेता और एक हास्य कलाकार यानी कि कॉमेडियन थे। ये हैं जॉन विदरस्पून, जो कि अमेरिकन एक्टर हैं और एक कॉमेडियन हैं, जिनकी अभी हाल ही में निधन हो गया। तो जॉन विदरस्पून की मूवी फ्राइडे फ्रेंचाइजी और द वॉयन ब्रदर, इन दो मूवी की वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे। और अगर आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है तो इसको देखिएगा, आप हंसी से लोटपोट हो जाएंगे। बहुत ही अच्छी और बहुत ही फेमस मूवी है, इसको ज़रूर देखिएगा। तो इन्हीं दो मूवी की वजह से जॉन विदरस्पून फेमस हुए थे। और ये हैं कौन? अमेरिकन अभिनेता हैं, अमेरिकन एक्टर और एक कॉमेडियन हैं, जिनकी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की ओर। तो 11वीं इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को किस अधिनियम के तहत केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया है और ये केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कब अस्तित्व में आ जाएंगे? ये अभी हाल ही में बहुत ही
इम्पॉर्टेंट घटना है कि अभी जम्मू कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है, जिसका नाम है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अब ये दो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कार्य करेंगे। तो क्वेश्चन बनता है कि किस अधिनियम के तहत इनको केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है, तो आइए जान लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। आइए मैप में जम्मू कश्मीर और लद्दाख की भौगोलिक स्थिति को जान लेते हैं। ये मैप का एक्चुअल मैप है ये, तो आप देख सकते हैं कि ये POK पाकिस्तान ऑक्युपाइड एरिया है, ये कश्मीर ऑक्युपाइड एरिया है, और ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना है, और ये है आपका जम्मू कश्मीर जो कि केंद्र शासित प्रदेश बना है। अगर POK भारत में विलय होता है तो ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा होगा, और चाइना ऑक्युपाइड एरिया अगर विलय होता है भारत में तो लद्दाख का ये एरिया है। तो ये पूरा एरिया यहाँ से यहाँ तक का आपको दोबारा दिखाते हैं, ये पूरा एरिया लद्दाख का है और ये पूरा एरिया जम्मू कश्मीर का है, ठीक। तो ये थी जम्मू कश्मीर और लद्दाख की भौगोलिक स्थिति। आइए आगे बढ़ते हैं, तो जानते हैं कि ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश के रूप में किस दिन अस्तित्व में आ जाएंगे। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख 31 अक्टूबर को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आ जाएंगे। इसी के साथ भारत में राज्यों की संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 हो गई है। तो आइए जल्दी से मैप के द्वारा 9 केंद्र शासित प्रदेशों को जान लेते हैं। तो पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, जिसकी कैपिटल होगी श्रीनगर। दूसरा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, जिसकी कैपिटल लेह। तीसरा चंडीगढ़ की कैपिटल चंडीगढ़। चौथा न्यू दिल्ली की कैपिटल न्यू दिल्ली। पांचवा है दमन द्वीप और दमन द्वीप की कैपिटल दमन। छठा हो गया दादरा नगर हवेली, जिसकी कैपिटल सिलवासा। सेवंथ लक्षद्वीप की कैपिटल है कावर्ती। एट्थ हो गया पांडुचेरी और पांडुचेरी की कैपिटल पांडुचेरी। और नवा केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसकी कैपिटल है पोर्टब्लेयर। तो ये थे 9 केंद्र शासित प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जम्मू कश्मीर का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, ये पहले भी न्यूज़ आ चुकी है, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर 26-27 की करंट अफेयर में बताया है, आप इसको देखिएगा जरूर, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर है IAS ऑफिसर गिरीश चंद्र मुर्मू। और लद्दाख का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बना है, तो IAS ऑफिसर राधा कृष्ण माथुर। ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। जम्मू कश्मीर का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू और लद्दाख का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर राधा कृष्ण माथुर, आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये 31 अक्टूबर 2019 की आखिरी न्यूज है, चलिए देख लेते हैं कौन सी न्यूज। तो हाल ही में किस राज्य के पूर्व लोकायुक्त एन वेंकट चला का निधन हो गया। तो ये हैं एन वेंकट चला, जो कि भारत के पूर्व लोकायुक्त हैं। जान लेते हैं किस राज्य के पूर्व लोकायुक्त हैं। तो ये कर्नाटक के पूर्व लोकायुक्त थे और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश भी थे। इनका निधन 30 अक्टूबर को हो गया है। चलिए आगे जानते हैं कि लोकायुक्त कौन होते हैं, इनका गठन कब हुआ और इनका कार्यभार क्या है, जान लेते हैं लोकायुक्त के बारे में। तो लोकायुक्त भारतीय राज्यों में एक भ्रष्टाचारी विरोधी लोकपाल संगठन है, यानी कि लोकायुक्त लोकपाल की एक शाखा है राज्यों में। ये राज्यों में हुए भ्रष्टाचारों की इंक्वायरी और जाँच करते हैं। लोकायुक्त ये बिना किसी संवैधानिक दर्जे वाले वैधानिक निकाय हैं, यानी कि ये लीगल निकाय है, मतलब लीगल बॉडी है ये, यानी कि ये संविधान के सारे नियम कानूनों को फॉलो करते हुए जांच करते हैं भ्रष्टाचार के विरोधियों पर। लेकिन इन पे संविधान के नियम लागू नहीं होते हैं, ये स्वतंत्र बॉडी है, ये किसी भी गवर्नमेंट के हाथों में नहीं है इनका कारभार, ये स्वतंत्र बॉडी है। और इसको देखता कौन है, सुप्रीम कोर्ट। लोकायुक्त को देखेगा कौन, सुप्रीम कोर्ट। और ये गवर्नमेंट से फ्री है, ये स्वतंत्र बॉडी है। एक बार नियुक्त होने के बाद लोकायुक्त को सरकार द्वारा खारिज या स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, जैसा मैंने आपको बताया कि ये स्वतंत्र बॉडी है, ये किसी भी गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। और केवल राज्य विधानसभा द्वारा महाभियोग प्रस्तावित करके इन्हें हटाया जा सकता है, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। चलिए जान लेते हैं कि लोकायुक्त का गठन कब हुआ था। तो लोकायुक्त का गठन लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत, यह विधेयक संसद में 16 जनवरी 2014 में पारित किया गया था, यानी 16 जनवरी 2014 को इसका गठन हुआ था। चलिए तो ये थी 31 अक्टूबर की महत्वपूर्ण घटनाएं। अब आपके लिए एक होमवर्क,
आपके लिए मैं दो क्वेश्चन लोकायुक्त से जुड़े हुए दो क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। इन क्वेश्चन को आप नेट पे सर्च करिए, ढूंढिए और इसे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए ताकि मुझे पता चल सके कि आप कितना सीरियस हैं करंट अफेयर के लिए और कितना आप हमारी वीडियोज़ को देख रहे हैं। तो आपके लिए दो महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लोकायुक्त से जुड़े हुए। पहला क्वेश्चन, लोकायुक्त की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको ढूंढ करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के किन राज्यों में अभी तक लोकायुक्त नियुक्त नहीं हुए हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले वाले से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के किन राज्यों में अभी तक लोकायुक्त नियुक्त नहीं हुए हैं। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको सर्च करके कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिखना है। जितनी ज़्यादा जानकारी आप इसमें ढूंढ सकते हैं आप ढूंढ करके इसको लिखिएगा। तो ये थी 31 अक्टूबर की महत्वपूर्ण घटनाएं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।